2 घंटे हो गए बैठे, 1.5 घंटे तो मान ही लो, ट्रेन आने का नाम नहीं ले रहे भैया। आता पता नहीं है, बहुत ज्यादा ही पिट गई है भाई। आज अच्छा छोलन मिला भाई नीरज भैया की दुकान में। नीरज भैया चेक मोनू के नाम का कटना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो आ करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं लिटिल खान स्वागत करता हूँ आपका लिटिल खान एल्क ब्लॉग में, एक सुहानी सुबह में ताजगी भरे दिन के साथ। तो और भाइयों क्या हाल चाल, सब बढ़िया? उठ चुके हैं अभी, 7:45 हो रहा है। सुबह सुबह से ही काम स्टार्ट हो जाता है भाई। आज फिर कुछ चीज़ें बची हुई हैं आंगनवाड़ी में, रखी हुई हैं जो बफर में लग रही थी वो बच के आंगनवाड़ी में रख गई थी, तो उनको भी उठा के लाना है घर। डैडी अभी बोल रहे थे तो फटाफट से चाय पीते हैं, क्योंकि मुँह अभी धुला है तो चाय मिल गई मम्मी के हाथों की गर्मा गर्म, तो पीना तो बनता है ना बहुत, सुबह सुबह तो ताजगी बनती है ना। तो फटाफट से चाय पीते हैं, लड़के लोगों से मिलते हैं, आज दुकान का देखते हैं दुकान खोलना है कि नहीं खोलना, क्योंकि भाई काफ़ी दिन हो गए दुकान भी नहीं खुली, अपन दुकान भी नहीं गए, और थोड़ा दुकान की तरफ रुख भी हो जाएगा अपना, दुकान साफ आप भी करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी दिन से दुकान खुली भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं दिन की शुरुआत तन मन धन के साथ, गुड फीलिंग के साथ। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बने रहो लिटिल खान एल्क ब्लॉग में, क्योंकि एक ही तो लाइफ है, एंजॉय करो यार। तो चलिए चलते हैं दिन की शुरुआत करते हैं सुहाने मौसम में, मस्त मौसम में काम करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। मैं क्या बताऊं, अभी भाई आ गए, जो सामान बचा हुआ है। हाँ कहाँ जा रहे हैं जल्दी है? ये पानी यानी पाउच वगैरह और ये बाटलें रखी हुई हैं, डिस्पोजल बचे हुए हैं, और ये तसले असले वगैरह गुम्मे ड्रम ये सब भी लेके चलना अपन के घर में। तो ये तो पानी पाउच अपन वापस कर देंगे, लेकिन ये सब सारा सामान घर में रखना है। तो साहिल को बुला लिया है, आरब भी आ ही रहा है घर तक गया हुआ, तो ठिलिया में रखते हैं इसको और घर छोड़ के आते हैं, और ये दुकान में छोड़ के आते हैं भाई। सेफी की दुकान ऐसा महक रहा है कसम से, वो पूड़ी उड़ी का भाई कार्टून छूट गया था कल, तो ऐसा महक रहा हम मानो भाई कई सदियों से ना खुला हूँ। हाल बहुत ज्यादा खराब लाए कहूँ और तरह, लेकिन सेफी कहाँ वापस कर दिया जब कहा अपन वापस है, अपने मतलब के भी नहीं है, 2 बोरी बचा ले अपन अरविंद के लाना चाह रहे हैं, 2 बोरी अपन अरविंद के लाना दे दे, बाकी अपन हाँ वही तो अब घर ले चली ठिल गया मैं रख के, और फिर उसके बाद अपन देखा वगैरह भी जो जो चाह रहे थे अपन, एक या छोड़ दे भी ठीक है ना, और एक दो जे खुली है ना, हाँ तो जे जो खुली हूँ अपन दे दे भी खिलाना। चलते हैं भैया ये सामान लेके और रखवाते हैं। अभी भैया सलैया स्टेशन आए हुए थे बाजी लोगों को छोड़ने, बैठे हुए हैं 1 बजे आए हुए थे, टाइम कितना हो रहा है 2 बज के हो, देखो जूम करके दिखा रहा हूँ टाइम, देखो 2:30 हो रहा है, साली लाइट तक इसमें लपक रही है। 1.5-2 घंटे हो गए बैठे, 1.5 घंटे तो मान ही लो ट्रेन आने का नाम नहीं ले रहे भैया। आता पता नहीं है, बहुत ज़्यादा ही पिट गई है भाई साहब। तो टिकट जाके ले आए थे 1:15 या 20 करीब पे, तब भी भाई ट्रेन का बहुत ज़्यादा ही आता ही पता नहीं भाई, आउटडोर पर ज़्यादा ही पिट गई है वह। अब जूम दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा दिख रही है कि नहीं दिख रही है। वैसे अभी रीठी स्टेशन पहुंची हुई है, 20 मिनट लगेगा उसको आने में, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं नहाया हूँ अभी, बहुत ही ज़्यादा भाई गर्मी में हालत ख़राब, तप और रहा है, पंखा भी नहीं लगा, वो उधर एक लगा है वो तो चल नहीं रहा है। हाँ कसम हालत ख़राब हो गई है बहुत ही ज़्यादा। वो तो अच्छा हुआ यहाँ सलैया स्टेशन डेवलप हो गया, तो ये सब बन गया बैठने के लिए, नहीं तो ये भी नहीं था पहले, ये पूरा यहाँ से ब्रिज बन गया है, अच्छा डेवलप हो गया भाई। और उस साइड पहले पटरियाँ नहीं थी, तो उस साइड भी पटरियाँ बन गई हैं, वो वाली साइड चालू नहीं हुई अभी, बाकी मस्त भाई गजब डेवलप। बड़ी मुश्किल से ट्रेन आई भाई, 3:05 पर, 1 बजे के आए, 3:05 पर ट्रेन आ रही, देख रहे हाल ट्रेन के। ऐसे में किसी को अगर ज़रूरी कहीं जाना हो ना, तो ये तो हालत ख़राब करवा देगी भाई, ऐसा बर्बाद। अभी भाई चल दिए हैं बस स्टैंड फुल्की खाने के लिए, चाट किसी को नहीं है अभी, और बुलौवा किसी को नहीं दिया है, और खिला कौन रहा है, टायर खिला रहा है, लेकिन यहाँ पे मैटर है, बोल रहा है कि कहीं हम फुल की बस खिलाएंगे, कहीं चाट खिलाएंगे, तो कहीं कुछ खिला रहा हूँ ना, चाट खिला रहा हूँ, लेकिन पैसे भी देना पड़ेगा, पैसे भी देंगे, चाट खिला नहीं फुल किया, चाट फुल की कह के आए, केजरी केजरी पलट गया, मैं कैमरा नहीं चालू कर पाया था, दो कैमरा की बात
ये बात कहीं की कहीं जा रही है, कहीं खत्म हो रही है। फुल्की का कोई बार कर पाएगा ना? पैसा बहुत है लेकिन जेब में नहीं है। वो यूट्यूब वाले हैं, यूट्यूब वाले पास है वो पैसा, जब आएगा तब खर्चा कराएंगे अपन। अभी देखना कोई और ना अपनी गाड़ी में बैठ जाए, वैसे तीन बैठे हैं अपन आज। अच्छा छोलन मिला भाई नीरज भैया की दुकान में। नीरज भैया चेक मोनू के नाम का कटना चाहिए, मोनू बाल्मिक और खाता में डाला सुनील बाल्मिक, सुनील बाल्मिक और 500 रुपए नीरज भैया की दुकान में जमा, नहीं तो ट्रांसफर। पटी शाखा ये सक्सेस बहुत जम के फंसा है, ये सक्सेस बहुत जम के फंसा है। सोनू भाई तब ब्याह बिलाल लो भाई, बिलाल वो बैठ। हाँ सभी लोग की लॉटरी है, मोनू खिलाएगा अपना। ये देखो छिप रहा है कि मुझे पैसे ना देने पड़े, नहीं ना छुप बे मोनू बे, कम दे भी ना, कम ले भी पैसा, ऐसे ना लो बे, कम ले भी ना पैसा, आधे ले ले ऐसे ना लो। अरे भैया देख ये तो पीके चलाने का नया ट्रक, नया डिजाइन, एसर का नया मॉडल निकला है ये। हमारे बिलाल भाई की फुक्की आ गई, फुक्की नखरे कर करके खा रहे हैं हमारे बिलाल भाई। वो पहले पूछ रहा है जे का, फिर कह रहा है जे का। हाँ तीन चार बिना मिर्ची वाली, बिना मिर्च। अच्छा ये को खाई मुनी खाना क्या साहिल चटा की क्या चाट जे आ गई भैया अपनी चाट देख बैठना जाए, नहीं तो खत्म हो गई कहानी भाई। मैं मिर्च नहीं डलवाया क्योंकि मिर्च अपन को सूट नहीं करती है। ये डलवाया, ये डलवाया, हल्की डलवाया, ये ज़्यादा डलवाया, अपन तो खाते नहीं भैया। इन महादेव को चाट मिर्च बहुत ज्यादा पसंद है, फिर लेने के देने पड़ते हैं इनको। गरीब को कोई नहीं पूछता, गरीब को कोई नहीं। मोनू का दादा बैठे इतने भाई ललता, इतने ललता है इंसान, कह रहा है स्प्राइट आ गई थी, स्प्राइट भी पियेंगे फिर चलेंगे। और जबकि गेम खेलने का टाइम हो रहा है, 7 से ज्यादा हो गए फुल्की तो मैं ना खाएंगे, तू ही खाने तो खा ले, फुल्की खिला दे। गेम खेल के हैं, गेम खेल डिलीट मार रहा है नहीं, गेम मोबाइल पे है। गेम खेल मैं ना खाएंगे फुल्की, मैं तो पहले ही मना करके आया, तो चाट बस खाएंगे। तो गर्मी इतनी हो रही है, ठंडा निकल रहा भैया स्प्राइट, ऐसा लग रहा है बारात वाले को जन्माष्टमी के लिए दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जन्माष्टमी देने तक ये देखो जन्माष्टमी वालों के लिए निकल रही है स्प्राइट। अभी आने वाले पेपरिया से भेज रहा, तो पर यह बजरावगढ़ से आने वाली अभी बारात, बारात दूल्हे राजा बैठे हैं पत्ती के ऊपर, हिमबली में वाले आने वाले, रिसेप्शन वाले थोड़ी देर में। जितू मामा को नहीं जाना, जितू मामा की मौत हो गया। हाँ आ गए भैया घर, चाट आट खाया थे, फुल्की वगैरह खा लिया था, थोड़ा सा गेम भी खेल लिया था क्योंकि अपन को जाना था सेवरा खेतौला स्टेशन, लेकिन फिर मैंने गया, ड्राइवर एक लगा है तो वो चला गया था गाड़ी लेके, तो मैं फिर भाई काम वाम था, थोड़ा पानी आने भी भरना था घर में, थोड़ा काम भी था तो वो भी देखना था, वो सब किया, तो अभी फुर्सत हुआ हूँ, पानी भर चुका है, 9:50 हो रहा है, भूख लगी हुई है बहुत ज़ोरों की, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई फटाफट से चलता हूँ, मशीन तो बंद करवा दी है, सीधे खाना खाने क्योंकि भाई बहुत जोरों की भूख लगी हुई, तो चलते हैं, ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे कल नए फ्रेश तर उतारा वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब आखिर शुभ रात्रि, बने रहिए ऐसे ही लिटिल खान के ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए और बेहतर कॉन्टेंट आ सके और आपका मनोरंजन हो सके, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।